जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यहाँ पर फरवरी 2020 की पांच बड़ी भर्तियों के फॉर्म लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आपने इन पांच बड़ी भर्तियों के फॉर्म भर ले तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। और आप इन पाँच भर्तियों के फॉर्म ज़रूर भरिए जो कि फरवरी में यहाँ पे निकाली गई है। लगभग यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया बेस्ड जॉब रहेगी। मेल कैंडिडेट हो आप या फीमेल कैंडिडेट हो, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 10th पास हैं, 8th पास हैं, 12th पास हैं या आपने ग्रेजुएशन ITI किया है, तो इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी जॉब की यहाँ पे मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा, इनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे आपको वहाँ से क्लिक करके सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारी जॉब की डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे डिटेल आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फरवरी मंथ की जो पहली बड़ी भर्ती है यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट पर यहाँ पे 5,007 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। इसके जो एप्लीकेशन होंगे वो ऑनलाइन मोड में रहेंगे। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। police.rajasthan.gov.in पे आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। बात करूँ इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे 2 फरवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 3 मार्च 2020 इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये बेसिकली जो हरियाणा राजस्थान के मेन डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें अदर डिटेल की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है 5,060 पोस्ट हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। एजुकेशनल जो यहाँ पे चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस 10th क्लास आप पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो RAC MBC BNS के लिए 8th पास के लिए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। और फिजिकल एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल के लिए मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है और चेस्ट वहाँ पे 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। दोस्तों, इसकी जो पूरी डिटेल है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। बात करते हैं आज की दूसरी वैकेंसी है। तो दूसरी वैकेंसी यहाँ पे निकाली है ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 का और यहाँ पे 2792 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई। आपका जो एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन मोड में रहेगा, आपको RRCER.com पे अपना एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। चलते इसमें जो अगली डिटेल है, इसमें जो और डिटेल आप देख सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये पोस्ट निकाली गई है 2020 के लिए और टोटल 2792 पोस्ट यहाँ पे हैं। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 फरवरी 2020 से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट यहाँ पे 13 मार्च 2020 की रहेगी। जॉब समरी की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जॉब समरी में आप देख सकते हैं जो ऑल ओवर इंडिया बेस्ड जॉब है, कहीं से भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें एजुकेशन मांगा गया है, अगर आप ITI आपने 10th पास या ITI कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपने ITI किया है, 10th पास आपने किया है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप ज़रूर कीजिए। यहाँ पे सारे जो मेजर ट्रेड्स हैं उसके यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और इसका जो लास्ट डेट है 30 मार्च 2020 इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो आपको 30 मार्च 2020 से पहले अपना एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। आज की जो तीसरी जॉब है आप देख सकते हैं, ये आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2020 है। ये ICDS द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 3,000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट हैं और जो सैलरी यहाँ पे 37,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। बात करूँ मैं इसकी जॉब समरी डिटेल की हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो उत्तर प्रदेश के लिए ये निकाली गई है आंगनवाड़ी ICDS की भर्ती, यहाँ पे बाल विकास जो विभाग है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक और यहाँ पे धारवाड़ के विभिन्न इलाकों के लिए ये निकाली गई है। तो यहाँ पे 15 फरवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है 15 फरवरी से पहले। और इसका जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। यहाँ पे जॉब समरी पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया है ICDS आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट, और 22 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन सबमिशन का है 15 फरवरी 2020 का है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICDS/WCD.NIC.in पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। और ऑल ओवर इंडिया बेस्ड जॉब है आप देख सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं। तो इसकी जो फुल डिटेल होगी वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप ले सकते हैं। आज की जो दूसरी जॉब है, यहाँ पे चौथी जॉब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसमें कि स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। 434 वैकेंसी हैं
और इसका जो एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, और इसके जो स्टार्टिंग हो चुके हैं एप्लीकेशन 31 जनवरी 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट ने ये वैकेंसी निकाली है 2020 के लिए, और यहाँ पे जो 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और आपको जो अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। जॉब समरी में हम देख लेते हैं, जॉब समरी में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जनवरी 18, 2020 को ये रिलीज़ हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो 28 फरवरी 2020 की रहेगी। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hcraj.nic.in और HCRZ ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये जयपुर राजस्थान के लिए निकाला गया है। इसमें अब अदर डिटेल की बात करें, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सीनियर सेकेंडरी मांगी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ये वर्क फंक्शन रहेगा आपका, और एप्लीकेशन इसके भी ऑनलाइन मोड में रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आप फिर से देख लीजिए यहाँ पे, तो 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे 28 फरवरी 2020 तक ये रहेंगे। टोटल 434 पोस्ट हैं, और एलिजिबिलिटी जो एरिया है इसमें क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे जो मांगा गया आपसे कैंडिडेट है पास सी 12th पास आपने किया हो, और आर्ट साइंस जो कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने किया होगा राजस्थान बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल तक कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फीस की हम बात कर लेते हैं, तो जो जनरल OBC EWS है उनके लिए 650 यहाँ पे फीस रहेगी, SC ST PWD के लिए 400 यहाँ पे फीस रहेगी। और आज की जो हमारी लास्ट जॉब है उसको आप देख लीजिए यहाँ पे, तो लास्ट जॉब जो निकाली गई है ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 के लिए नोटिफिकेशन निकला है, और 200 यहाँ पे वैकेंसी हैं जो कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए हैं, और इसका जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो भी ऑनलाइन मोड में रहेगा। आपको mponline.gov.in पे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। जॉब समरी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, और यहाँ पे 27 जनवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट यहाँ पे 26 फरवरी 2020 का रहेगा। और बात करें हम इसमें जो ट्रेंड है, लगभग जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप फिटर के लिए देख सकते हैं, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, तो जो भी मेजर यहाँ पे जो ट्रेड हैं, आपने 10th पास किया है, ITI किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी मेजर ट्रेड है उसके लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। जॉब जो है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बेस्ड है, कहीं से भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मांगा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या केवल 10th पास मांगा गया और ITI यहाँ पे मांगा गया है। तो जिस भी ट्रेड के लिए आप यहाँ पे अप्रेंटिस पोस्ट है, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उस ट्रेड का आपके पास NCVT अप्रूव यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, तो आप उस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पे जो मांगी गई है 15 से 24 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और एज़ पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे कुछ एज में रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो अगर आप किसी SC ST या PWS कास्ट से आते हैं तो आपको यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको उसका रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब जिसका फॉर्म आप फरवरी में ज़रूर भरिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की डिटेल मैंने आज आपको प्रोवाइड की थी उनकी सारे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है या जॉब डिटेल है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से क्लिक करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको गवर्नमेंट जॉब की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल